Welcome back to my channel. आज है बेटी का ग्रैंड फिनाले, आज है फाइनल, तो आगे हो रहा है प्रैक्टिस और मैं हूँ बैक स्टेज. अभी हो रहा है फाइनल रिहर्सल और रिहर्सल ख़त्म होने के बहुत टाइम लगता है. इवेंट होगा हमारा लगभग शाम को 6 बजे, तो सुबह के 9 बजे हम लोग आ चुके हैं. 9 बजे से लेके 11 बजे तक हमको यहाँ पे रुकना होगा बच्चे के साथ. बहुत मुश्किल है और इस मुश्किल घड़ी में हर माँ बाप अपने बच्चे के साथ दे रहा है. ये है माँ बाप का मेहनत, क्योंकि बच्चे का जो जुनून है उसके लिए हर माँ बाप अपने बच्चे का हर मुमकिन सहायता करना चाहते हैं. इसलिए हर माँ बाप अपने बच्चे को लेकर सुबह सुबह आ चुके हैं. कल भी हमें सोते सोते इधर से जाते जाते 11 बजा था, तो खाना खा के सोने में बहुत ही टाइम लगा था. सो आज हम इधर है, मैं और मेरा बेटी आया. अभी उसके पापा और उसके भाई अभी नहीं आया, क्योंकि अभी बहुत टाइम है. अभी फाइनल रिहर्सल होगा गाउन.
form like even stage fright, they get out of that. And I think you've raised them well. And I also want to congratulate our show director right here. I don't know how you handle so many girls like this. मेरे घर पे तो दो लड़कियां क्रिकेट पे आ जाती है तो मुझे दो दिन उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे छुट्टी चाहिए बट वेल डन बट यू 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 हैव चिल्ड्रन ऑन योर ओन ओके आई थिंक सो अमेजिंग एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द पेरेंट्स एंड ट्रस्ट मी दे आर वेरी ऑन अ ह्यूज टुवर्ड्स ह्यूमली एंड अ परफॉर्मिंग इन द म्यूजिक देमसेल्फ I'm just standing here as a parent. I don't think I can put in so much effort and the amount of forget it, mom up but you can sub kar dete hain aap logo ne na sabse zyada kar diya hai kyunki ye panch family chahiye. I feel like a little bit of push from the parents is always a good thing. As long as they hear their own wish and not doing this because you know the parents are saying ki family mein hi acha hai, that's my only thing. But most importantly, no matter where you are, कौन सी स्टेज पे आप हैं, एक कॉन्फिडेंस जो होती है बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो बच्चों में आती है. एंड आई थिंक कि आज मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि जीत से पहले अपने बच्चों को जो है हार के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि हार जो है ना वो ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाता है. जीत चाहे ना सिखाए, आई थिंक व्हेन यू डोंट मेक इट यू लर्न सो मच मोर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बाहर भी मेरी बहुत सारे छोटे बच्चों से बात हो रही थी एंड आई जस्ट फील दैट इवन इफ दे लर्न द लेसन वेल दे विल दे लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटीफुल विक्ट्री इज. इवन इफ दे डोंट विन दे लर्न एंड दे अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू स्टैंड अप ऑन योर फीट. और अगर वो जो ये लेसन आज हमारे बच्चे सीखे वो भी बहुत बड़ी बात है. एंड आई थिंक कॉन्टेस्ट लाइक दिस हेल्प इन दैट. So today is not about winning and losing. Today is about learning, and we will teach our children, and we will learn from them as well. So congratulations to all of you. यहाँ पे कोई हार नहीं है, जीत नहीं आया है, हम सब सीखने आए हैं. और आज भी कई जो हैं एक क्राउन और एक सैश पहन के जाएंगे और बाकी सब बहुत कुछ सीख के जाएंगे. So पहले से मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, no matter what, घर जाके celebrate जरूर करें अपने बच्चों के साथ.
congratulations. Ah, kakalo ba yun? Ha? Ito, okay, ano ba ka? Thank you so much. Oh, aapko bhi. Sabhi jeet to sabhi bachche ne jeeta. Thank you. We have a congratulations. Thank you.